لا إله <سؤال> إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر, الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هلا سبكم आपको मेरी आवाज सही आ रही है? सही आ रही मुझे अपनी खुद से सही नहीं आ रही है, एको है थोड़ी सी थोड़ी सी आवाज ऊंची कर दें थोड़ी एक खत्म कर दें ओके, तो रेडी हैं, शुरू करें अल्हम्दुलिल्लाह। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور लहमदकल्लु अव्वलु اللَّهُ आखिर हो وَالْآخِرِينَ لا اله الا هو الرحمن الرحيم सब तारीफ़ अल्ला के लिए है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया अंधेरों और रोशनी को बनाया सब तारीफ़ उसी के लिए है पहली और आखिरी ज़ाहिरी और बातनी अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं वो पहलों और पिछलों का मबूद है अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं वो नहायत मेहरबान बहुत रहम फरमाने वाला है आज मैं इनशाला आपके साथ उसने अखलाक के बारे में चंद बातें करूंगी क्योंकि मीज़ान में सबसे भारी नेकी अच्छा अखलाक होगा लेकिन आमतौर पर हम अच्छे अखलाक का माना नहीं समझते कि अच्छा अखलाक है क्या अच्छा अखलाक दरअसल अच्छी आदत हैं एक होती है इंसान की जिस्मानी खूबसूरती उसकी खलक़ उसकी फिजीक उसका रंग उसके नक्शो निगार, ये भी दूसरों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं आमतौर पर लोग दूसरों को इस मैार परखते हैं कि कौन खूबसूरत है और वो उसके कद और उसके रंग और उसकी सूरत का उसकी शक्ल सूरत पर ज्यादा तोज्जो देते हैं तो ये तो खलकुल्ला है इसमें इंसान का अपना कोई कमाल नहीं अल्लाह ने जिसको जैसा चाह बनाया लेकिन उसके साथ साथ इंसान को अल्लाह सुबहान कुछ और चीजें भी दी कुछ और जिम्मेदारियां भी दी उसकी जिंदगी का एक बताया और वो क्या है अल्लाकल मऊतवल हयातलिया कुम अयुकुम अहसन अमला कि उसने जिंदगी और मौत को बनाया ताकि तुम्हें आजमा कर देखे कि तुम में सबसे अहसन अमल अच्छा अमल किसका है अमल सिर्फ इबादत का नाम नहीं अमल और अखलाकियात सबको मुहित है इबादत तो हम दिन में पांच वक्त करते हैं पांच वक्त नमाज पढ़ते हैं बाकी हमारा वक्त कहाँ गुजरता है किसके साथ गुजरता है किन कामों में गुजरता है उन्हें हम किस तरीके पर अंजाम देते हैं वहाँ हम क्या मामला करते हैं हम अपने घर वालों के साथ क्या सलूक करते हैं हम अपने खादिमों के साथ क्या सलूक करते हैं हम अपने बच्चों के साथ कैसा मामला करते हैं अगर हम कहीं पढ़ते पढ़ाते हैं तो अपने कलीग्स के साथ क्या मामला करते हैं अपने बड़ों से हमारा कैसा मामला है अपने छोटों के साथ हमारा कैसा मामला है तो ये सारी चीजें किस तरीके पर चल रही हैं इनमें बाजुकात हम कमी कर जाते हैं जबकि हदीस में आता है कि मीज़ान में सबसे भारी नेकी जो मीज़ान को वजनी कर देगी वो अच्छा अखलाक है अच्छा मामला है अच्छी आदात है तो अखलाक का लफ्जा ये खुलुक़ से है खुलुक आदत को कहते हैं कि इंसान की आदतें कैसी हैं उसके बोलने का अंदाज़ क्या है उसके देखने का अंदाज़ क्या है उसके चलने का तरीका क्या है उसके बात करने का उसके सोचने का उसका लेन देन उसका रख रखाव उसका दूसरों के साथ ताल्लुक़ ये सब कुछ कैसा है क्या खूबसूरत है क्या बदसूरत है या इन दोनों के बीच में कुछ है जिसमानी खूबसूरती का तो हम खूब लिहाज रखते हैं यानी हम में से खूस ख़वा अपने लुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और अब आप देखें कि इस वक्त मुल्क के अंदर जितनी भी गुर्बत है परेशानी है बदहाली है लेकिन इसके बावजूद पार्लर्स की रौनक ब्यूटी क्लिनिक्स की रौनक और खूबसूरत बनने के नए नए नित नए तरीकों की इजाद जो है उसमें कोई कमी नहीं आई बल्कि पहले से भी ज्यादा ये चीजें हो गई हैं क्यों इसलिए कि हमने अपनी खूबसूरती का मैार क्या बना लिया सिर्फ खूबसूरत लुक्स कि हम देखने में अच्छे लगे हम फिट नजर आए हमारे हमारे बाल खूबसूरत हों हमारी आंखें खूबसूरत हों लिहाजा जिस्म के एक एक हिस्से की ब्यूटिफिकेशन तरह तरह के आलात ईजाद हो गए और हमारा माल और हमारा वक्त और हमारा सरमाया और हमारी कोशिश सारी इसी काम में लग गई जबकि दूसरी तरफ असल इंसान का हुसन उसके अखलाक का हुसन है उसके रवैये का हुस्न है उसके, उसके तौर तरीकों का कैसे हैं उसको उसके मैनर्स कैसे हैं उसका कैरेक्टर कैसा है इस तरफ दिन, दिन तवज्जो कम होती चली जा रही है लिहाजा मुझे खुद और आप सबको भी अपना अपना जायजा लेना है कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि अच्छे अखलाक का जो मेयार कायम किया गया है हम उस पर कितना पूरा उतरते हैं क्योंकि ये इंसानी जिंदगी का कीमती सरमाया है अजीम असाशा है और ये सिर्फ इस्लाम में नहीं हर मजहब के लोग इसके कायल हैं बल्कि दुनिया में बसने वाला हर इंसान अच्छे अखलाक और किरदार की तारीफ करता है अच्छे बर्ताव की तो इसके बगैर इंसान में इंसानियत और खूबसूरती आती नहीं और इंसानों में से जो सबसे बड़े इंसान अल्लाह के महबूब थे उनका अखलाक सबसे बेहतरीन था जिसकी तारीफ खुद कुरान ने की वह इन नकल अला खुल्क नाजीम आप अखलाक की बुलंदियों पर फायस हैं यानी अगर किसी ने अपना अखलाक अच्छा करना हो तो उसके लिए मेयार क्या होगा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु सल्लासम का उसव हसना और आपका अखलाक कुरान था यानी आपको बेहतरीन अखलाक अपनाने में जिस चीज ने मदद दी वो कुरान था कुरान एक आईने की तरह है जैसे आयना हम देखते हैं ना तो उसमें हमें अपनी खामियां भी नजर आती हैं अपनी खूबियां भी नजर आती हैं अच्छा बुरा सब कुछ नजर आता है फिर हम उस आईने को देख कर अपनी इसलाह करते चले जाते हैं जहां जहां जिस चीज की जरूरत होती है तो इसी तरह एक हामिल कुरान जो होता है साहिब कुरान जो होता है का कुरआन इल्म जो होता है कुरान पर ईमान लाने वाला जो होता है वो कुरान को जब पढ़ता है तो इसी तरह जैसे उसके सामने एक आईना हो जो उसे दिखा रहा हो कि वो वो पर खड़ा है, वो कैसा लग रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही आपके सिर्फ दोस्त ही नहीं आपके अपने ही नहीं आपके दुश्मन भी देते थे आज अगर इस मैार को देखें हम तो दो चीजें हमारे सामने आ गई ना एक ये कि अल्लाह सुबहान तला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की कि आप अच्छा आप अखलाक की बुलंदी पर फायस है इन्नकला अला नाजीम। और दूसरी तरफ आपके दुश्मन भी आपको सादे को अमीन कहते थे और तौरात में भी आपकी जो खूबी बयान हुई ए नबी बेशक हमने आपको गवाही देने वाला और बशारत देने वाला और अनपढ़ों अरबों की हिफाजत करने वाला बनाकर भेजा आप मेरे बंदे और मेरे रसूल हैं मैंने आपका नाम मुतवक्किल रखा है आप ना बदखू हैं न सख्त दिल न बाजारों में शोर करने वाले ना बुराई का बदला बुराई से देते हैं बल्कि माफी और दरगुजर से काम लेते हैं तो दो गवाहियां हैं ना एक है अल्लाह की गवाही और एक है बंदों की गवाही आज हम अपने दिल से पूछे कि हम अल्लाह की निगाह में कैसे हैं क्योंकि कोई और तो नहीं मुझे बता सकता लेकिन दिल के अंदर अल्लाह ने इंसान के अंदर अल्लाह ने एक जमीर नाम की चीज रखी हुई है जो उसको साथ साथ आगाह करती रहती है साथ साथ उसको बताती रहती है कि कहाँ पर वो डंडी मार रहा है ये दरअसल अल्लाह की तरफ से इंसान के अंदर पैदा की जाने वाली एक सिफत है कि जो उसको बताती है दूसरी तरफ हम अपने साथियों से अपने घर वालों से अपने शौहर से अपने बच्चों से अपने बच्चों के बच्चों से अपने हमसायों से जिन लोगों के साथ हम मिलजुल कर काम करते हैं उनसे अगर पूछें तो वो हमारे बारे में क्या गवाही देंगे कि हमारा अखलाक कैसा है याद रखिए कल क्यामत के दिन फैसला तो अल्लाह ने करना है लेकिन लोगों की गवाहियां भी शामिल होंगी लोगों की गवाहियां हमारे अमाल नामे का एक हिस्सा है मरने के बाद जब इंसान फौत हो जाता है तो उसका अपना अमाल नामा तो बंद हो जाता है सदका जारिया में तीन चीजें बताई जाती हैं एक चौथी चीज भी है और वो है लोगों की गवाहियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक जनाजा गुजरा तो आपने फरमाया वजह एक और जनाजा गुजरा तो आपने फरमाया फरमायाब ने पूछा कि आपने दोनों दफा ये बात फरमाई है क्या चीज वाजिब हो गई तो आपने एक के बारे में फरमाया कि जन्नत वाजिब हो गई और दूसरे के बारे में फरमाया कि जहन्नम वाजिब हो गई किसके लिए कहा जन्नत वाजिब हो गई उसके लिए जिसके बारे में लोग अच्छी राय दे रहे थे अच्छी बात कर रहे थे यानी आपने अपने आसपास के लोगों से जब सुना उसके बारे में अच्छी गवाही तो उसमें ना पर आपने फरमाया वजबत और जब दूसरे के बारे में आपने लोगों की आरा बुरी सुनी तो आपने फरमाया जहन्नम वाजिब हो गई तो लोगों का हमारे बारे में क्या ओपिनियन है ये मैटर करता है हम ये नहीं कह सकते हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आई केयर मुझे कौन क्या कहता है मुझे तो बस सच बोलना है और हक बात करनी है और सही बात करनी है और फिर उस हक सच बात कहने का ऐसा भूडा अंदाज होता है कि वो जिस मामले में सच बोला जा रहा होता है वो भी वहां जाके बैठता नहीं फिट नहीं बैठता क्योंकि जब हम सिर्फ अपनी नज़र से चीजों को देख रहे होते हैं सिर्फ अपनी सोच के तहत या अपने ऐनक के साथ देख रहे होते हैं तो चीजें मुख्तलिफ नजर आती हैं लेकिन बाजत हकीकत में वो कुछ और होती हैं तो इसलिए हम सब को सोचना चाहिए अपने आप का खुद जायजा लेना चाहिए अपना खुद हिसाब लेना चाहिए मुहासबा करना चाहिए कि मेरे बारे में ये दो गवाहियां कैसी होंगी मैं अल्लाह की नजर में कैसी हूँ मैं बंदों की नज़र में कैसी हूँ और इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि हम मरने के बाद कहाँ होंगे किस हाल में होंगे तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा आमाल नामा वजनी हो जाए जिसकी हम सबको फिक्र है और चाहत है तो फिर आमाल नामा वजनी करने के लिए जरूरी है कि हम उसने अखलाक को समझे भी और अपनाने की भी कोशिश करें। करेन अखलाक की कई तारीफें की गई हैं उनमें से एक ये है कि हुसन अखलाक में सबसे पहली चीज है लोगों को तकलीफ ना देना कि मेरी जात से किसी को कोई दुख ना पहुंचे उनके ऊपर सखावत करना सिर्फ माल से नहीं बल्कि माफी और दरगुजर से उनकी पहुंचाई हुई तकलीफों पे सब्र करना पी जाना खंदा पेशानी से पेश आना इसका जाबता वो है जो अल्लाह जल्ला ने जिक्र किया है दरगुजर इख्तियार करो लेट इट गो जो चीज लोगों लोगों से जो चीज आसान हो वो ले लो और लोगों से ये इरादा ना रखो कि वो तुम्हारे पास वो चीज लाए जिसे तुम पसंद करते हो क्योंकि ये महाल है यानी लोग तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकते तो जो आसानी से हो सके वो ले लो और जो नहीं होता उस पर सब्र कर लो उसने अखलाक अल्लाह ताला की महबूब तरीन सिफत है नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिला शुबा अल्लाह मेहरबान है मेहरबानी और बुलंद अखलाक को पसंद करता है और उसके घटियापन से नफरत करता है यानी अगर आपका अखलाक अच्छा है आपकी गुफ्तु अच्छी है लोगों के सामने भी और लोगों के पीछे भी उनके बारे में आप एक अच्छे अच्छी जबान इस्तेमाल करते हैं और घटिया गुफ्तु से परहेज करते हैं तो ये अल्लाह तला के नजदीक ऐसा इंसान पसंदीदा इंसान है ऐसे लोग लोगयामत के दिन भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक क्यामत के दिन मेरे नज़दीक तुम में सबसे ज्यादा महबूब और करीब बैठने वाले लोग वो हैं जो बेहतरीन अखलाक वाले हैं अच्छा दुनिया में भी आप किस को अपने करीब रखना चाहते हैं किसकी कंपनी में बैठना चाहते हैं किसके साथ मिल के खुश होते हैं तो एक ही बात होगी कि जिसका अखलाक अच्छा हो उसके उससे मिलने को उसके लिए हम इंतजार करते हैं उसके लिए राह तकते हैं बच्चों में भी आप देखें अपने बच्चों में जिस बच्चे का अखलाक अच्छा होता है दिल चाहता है वो हमारे करीब रहे और वो खुद ब खुद करीब हो जाता है वो फेवरेटिज्म नहीं होता लेकिन वो अपने अच्छे अखलाक की वजह से आपके दिल में जगह बना लेता है आपका कुर्ब पा लेता है इसी तरह इंसानों में से भी जिन, -जिन के अखलाक अच्छे होते हैं तो खुद ब खुद आपके दिल के करीब हो जाते हैं चाहे उनके फासले दूर ही क्यों ना हो वो किसी दूसरे मुल्क और दूसरे कॉन्टिनेंट में ही क्यों ना रहते हो लेकिन वो आपके दिल के करीब होते हैं और एक शख्स हो सकता है कि आपके बिल्कुल करीब हो लेकिन अपनी बद की वजह से आपसे सबसे ज्यादा दूर हो तो कितनी बदबख्ती की बात है कि इंसान इंसानों के लिए अजियत का बायस हो तकलीफ का बायस हो एक घर में हो एक छत तले हो एक बेडरूम में हो और एक दूसरे से ना बनती हो जिंदगी कितनी अजीरन हो जाती है कितनी बदमजा हो जाती है कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में बद अखलाकी होती है और एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते और एक दूसरे की छोटी छोटी बात पर आपे से बाहर हो जाते हैं छोटी छोटी बात पर जज्बाती हो जाते गुस्से में आ जाते हैं एक दूसरे से बात नहीं करते तो ऐसा घर ऐसी जिंदगी फिर क्या ये जन्नत का नमूना तो नहीं ना जन्नत की सबसे बड़ी खूबी क्या होगी कि वहां लोगों के दिल एक जैसे होंगे एक दिल की तरह होंगे उनके दिल फटे हुए नहीं होंगे उनके दरमियान आपस में मोहब्बत होगी तो अगर ये जन्नत की खूबी है तो ये वहां जाकर तो पैदा नहीं होगी बल्कि क्या होगा दुनिया में ही दुनिया से ही पैदा करके ले जानी होगी यहाँ आपके अंदर ये खूबी पैदा होगी तो आप जन्नत के लिए क्वालिफाइड होंगे बेहतरीन उम्मत ही कौन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम मोमिनों में से सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाले मुकम्मल ईमान वाले वो लोग हैं जिनके अखलाक अच्छे हों एक और रिवायत में है मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं जो अखलाक के लिहाज से सबसे अच्छे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल ने फरमाया, फरमायाबन आदम ने कोई ऐसा अमल नहीं किया जो नमाज और आपस में सुलह करवाने से और अच्छे अखलाक से बेहतर हो यानी तीन चीजें अच्छी तरह नमाज पढ़ना लोगों के दरमियान झगड़े निपटा देना आपस के ताल्लुक को अच्छा कर देना खानदानों के झगड़े निपटाना दोस्तों के बीच में से बदगुमानियाँ दूर करना और अच्छे अखलाक से लोगों के साथ मामला करना तो ईमान और इस्तकामत ईमान पर इस्तकामत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने अखलाक को अच्छा कर लो साबित कदम रहो और अपना अखलाक अच्छा करो एक और रिवायत में आता है बेशक मोमिन अपने अच्छे अखलाक से रोजादार और क्याम करने वाले का दर्जा हासिल कर लेता है रोजादार यानी रोजा रखने को मुश्किल काम है और रातों को क्याम एक मुश्किल काम है ये अबरार और सालिन की सिफत है लेकिन एक शख्स अपने अच्छे अखलाक की वजह से इस मकाम को जा पहुंचता है और ऐसे लोग जिनका अखलाक अच्छा हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरमाया मैं जन्नत की आला मनाजिल में एक महल का उस शख्स के लिए जिम्मा लेता हूँ जो अपने अखलाक को अच्छा बना ले जन्नत के आला तरीन दर्जे दरमियान में वो जो मज़ाह में भी झूठ छोड़ दे और जन्नत के एक साइड पर उसका घर जो हक पे रहते हुए झगड़ा छोड़ दे हक पे रहते हुए झगड़ा छोड़ दे और इसी तरह जहाँ अच्छे अखलाक की तारीफ़ की गई वहाँ बुरे अखलाक की मजम्मत भी की गई है जाबिर रजी अल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह वसम ने फरमायामत के दिन मेरे नज़दीक तुम में से सबसे ज्यादा महबूब और करीब बैठने वाले लोग वो हैं जो बेहतरीन अखलाक वाले हैं और सबसे ज़्यादा नापसंदीदा सबसे ज्यादा नापसंदीदा और दूर रहने वाले लोग वो हैं जो ज्यादा बातें करने वाले बातूनी बिला सोचे समझे और बिला एहतियात बोलने वाले और तकबर करने वाले ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे नापसंदीदा लोग होंगे और आपसे सख्त दूर होंगे बहुत दूर होंगे हम कयामत के दिन क्या चाहेंगे कि हमें कहाँ जगह मिले करीब जगह मिले या दूर जगह मिले ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा तमन्ना से नहीं होगा बल्कि कुछ करने से होगा और उसमें खास तौर पर जो अखलाक की इंडिकेशन या दी जा रही है अच्छे अखलाक की वो है जबान का सही इस्तेमाल एहतियात से बात करना किसी के बारे में कोई बात करना या किसी किसी फैक्ट के बारे में या किसी चीज के बारे में इजहार ख्याल करना बहुत ही एहतियात के साथ नपे तुले लफ्सों के साथ चचे तुली बात और फिर आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बुरे इंसान की क्या खूब सिफत बताई कि सबसे बदतरीन इंसान वो होगा जिसे लोगों ने उसके शर से बचने के लिए छोड़ दिया होगा कि जब इसके पास जाते हैं जब बैठते हैं तो कोई चुभने वाली बात कर देता है कोई ऐसी बात कह देता है कि जो तकलीफ दे होती है तो ऐसे शख्स से बच के रहो लोग मिलना जुलना छोड़ देते आप देखें आजकल खानदानों के अंदर कितनी नाचाकियां हैं शायद ही कोई खानदान ऐसा हो जिसमें कहा जा सके कि उनमें से कोई दो अफराद आपस में नाराज नहीं है या दो बहन भाई लड़े हुए नहीं हैं या दो फ़ैमिलीज़ जो हैं उनका आपस में ताल्लुक खराब नहीं है हर खानदान में ऐसे झगड़े और फसाद और बदखलाकियां तो ये मुसलमानों की सिफत नहीं है नबी अलैहि सल्हलम ने ये भी फरमाया कि मोमिन के लिए काबिल मुजम्मत अखलाक फ़हश कलामी है बेहुदा बातें फ़हश बातें और फ़हश बातों में गाली गलोच वगैरह भी आता है और अल्लाह ताला तहश को और बेहयाई को फ़ोहश गोई और बेहयाई को पसंद नहीं करता तो अब आप देखिए कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ उसूल बनाने हैं और मुख्तलिफ चीजों पर काम करना है सबसे पहले तो हमें अल्लाह तआला के साथ सबसे पहले हमें अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को दुरुस्त करना है उसका जायजा लेना है उसका हिसाब लेना है अल्लाह के रब होने पर राजी होना है दिल की खुशी के साथ अल्लाह ताला के अहकाम बचा लाना ये हुसन अखलाक की बुनियादें हैं क्योंकि हमें अखलाक का सोर्स तो कुरान और सुन्नत ही है ना हमें सब कुछ लेना तो वहां से ही है तो अगर हम अल्लाह के रब होने पर राजी नहीं और दिल की खुशी से उसके अहमाम नहीं लेते तो फिर हमारा अखलाक अच्छा नहीं हो सकता तो दिल की खुशी फिर ये देखना कि क्या हमें इबादत में राहत मिलती है या नहीं मेरी इबादत बाय से राहत है या नहीं मुझे नमाज का इंतजार रहता है या नहीं मैं शौक के साथ नमाज की तरफ लपकती हूं या नहीं अगर शौक के साथ आप नहीं जाते ना या फिर अल्लाह ताला का कोई भी हुक्म खुशी से और शौक के साथ नहीं मानते तो गोया आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक अच्छा नहीं आप उसके रब होने पर राजी नहीं लिहाजा हमें अपनी नमाजों का जायजा लेना है नबी अलैहि सल क्यों फरमाते थे बिस्सलात बिलाल अकिम फ अरे बिस सलात। ए बिलाल उठो और हमें नमाज के साथ राहत पहुंचाओ नमाज उनके लिए बायसे राहत थी क्योंकि नमाज आपको वो स्ट्रेंथ फ्राहम करती है वो सुकून अता करती है वो खुशी अता करती है कि जिसके बाद फिर आप नमाज पे जब सलाम फेर के उठते हैं तो फिर जिस जो भी सामने नजर आता है उसके साथ आप भले मानस तरीके से बात करते हैं क्योंकि आपकी नमाज ऐसी कि आप नमाज में काम डाउन हो चुके हैं आप, आप राहत के फेज में आ चुके हैं आप पुरसकून हो चुके हैं तो जो शख्स पुरसकून ही नहीं बेचैन तबीयत है जिसको कहीं चैन ही नहीं वो जब किसी इंसान से बात करेगा तो उसका अखलाक अच्छा कहाँ से रहेगा तो जब तक नमाज अच्छी नहीं होती अखलाक भी अच्छा नहीं हो सकता लिहाजा हमें अपनी नमाजों में आंखों की ठंडक तलाश करनी है सुबह उठे फर के लिए खुशी से उठे सुकून से नमाज पढ़े सुकून से अजगार करें सुकून से दुआएं मांगें अल्लाह से अपने दिल का हाल बयान करें उसके सामने अपनी फरियादें रखें सारा सारे दुख दर्द परेशानियां गम और अगर हो सके तो थोड़ा उससे पहले उठ जाएं तहजद के लिए लेकिन अगर तहजद के लिए नहीं भी उठ सकते और फजर ही के लिए उठे तो अर्ली उठें ताकि सुकून से नमाज पढ़े हबड़ दबड़ ना हो जल्दबाजी ना हो और आप देखेंगे कि अगर आपने रात को कोई बुरे ख्वाब देखे हैं या परेशान उठे हैं लेकिन जो ही आप नमाज के बाद अस्कार वगैरह से फारिग होंगे तो आप बिल्कुल हल्के फुल्के हो चुके होंगे जिक्र एक गजा है सा इन्नमा अश्कु बसी व अल्लाह इल्लाह। से नहीं शिकवे और गिले बल्कि जो बंदा अपने मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देता है उसे बंदों से गिले शिकवे रहते ही नहीं क्योंकि उसने हर चीज अल्लाह के हवाले की हुई है और वो अल्लाह ही से तवक्को रखता है कि वो इसको दुरुस्त करेगा अपनी सी कोशिश करता है और बाकी सारे मामला अल्लाह के आगे वो दुआएं मांगता है जहां उसको मुश्किल पेश आती है पहली चीज अल्लाह की तरफ रजू ये है अल्लाह से ताल्लुक अच्छा होने की अलामत हम सब ये मैं कुछ इंडिकेटर्स दे रही हूं आपको इनकी रोशनी में अपने आप को पहचानें कि पहला काम क्या करते हैं वाकई ऐसा ही? ही होता है कि जो परेशानी सामने आई तो आपका ध्यान फौरन अल्लाह की तरफ गया अमरी अल तो जहरी इल्लाह मैंने अल्लाह की तरफ रुझू किया अल्लाह की अल्लाह का सहारा लिया अल्लाह ही के सुपुर्द अपने मामलात कर दिए हर चीज के शर से मुझे अल्लाह ही बचाने वाला है और फिर नमाज से आप उठ जाते हैं तो कुरान की तरफ जाते हैं कुरान अल-फजरी का ना अगर अगरचे फजर की नमाज को भी कुरान कहा गया यहाँ लेकिन क्योंकि उसमें लंबी तिलावत की जाती है लेकिन आप देखें कि अगर आप उस वक्त तिलावत कुरान करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा यकसुई का वक्त सुबह का होता है लोगों से मुलाकात से पहले आप कुरान से मुलाकात करते हैं फिर आप देखें कि कुरान खोला दिल की कैफियत क्या है किस शौक और किस खुशी से क्योंकि जब तक शौक से नहीं खोलेंगे आप सिर्फ एक हाजिरी लगाने आए हैं क्योंकि वो हमें कहा गया था अलुदा में कि रोज कुरान पढ़ा करो तो इसलिए हम रोज कुरान पढ़ते नहीं ये रीजन नहीं होनी चाहिए कि किसी ने आपको कह दिया या आपकी अम्मी पढ़ती थी तो आप भी आदतन रवाजन पढ़ रहे हैं एक मोहब्बत के साथ उठाएं उसको सीने से लगाएं उसको आपकी आंखों को राहत मिले उससे अगर सारे मानी पर गौर नहीं भी कर सकते तो कम से कम कोई एक दो आयतें तो जरूर सेलेक्ट कर लें कि जिनमें से कोई मकसद या कोई सबक लेके आप उठे कोई रहनुमाई लेके उठे क्योंकि किताब सब सबसे पहले अपना मकसद यही बताती है कि किताब उला रही बफी हदलमुत तो फिर हम मुतकीन कैसे हो सकते हैं अगर हमने पढ़ा उसको और उससे कोई भी रहनुमाई नहीं ली कोई एक बात भी अपने लिए नहीं ली कि जिससे हम अपने अपनी जिंदगी को संवार सकें ऐसे ही बस खोला ऐसे ही बस उठ गए बस जी पढ़ लिया है ये क्या पढ़ना है चाहे एक सफा पढ़े चाहे एक रुब पढ़े चाहे एक सिपारा पढ़े जो अल्लाह आपको तोीक देता है क्योंकि हर एक के हालात और सिचुएशन होती है कुछ लोगों के पास वक्त ज्यादा होता है कुछ के पास कम होता है और फिर वो खुतिन जो अपने बच्चे पाल चुकी हैं और घर की भी जिम्मेदारियां कम हो चुकी हैं बहुओं ने घर संभाल लिए हैं या अब जिम्मेदारी उतनी नहीं है उनको फिर अपना वक्त और भी ज्यादा कुरान के साथ गुजारना चाहिए कि जिनके बच्चे छोटे होते हैं उन्हें स्कूल की तैयारी करानी है बहुत सारे उनके जिम्मेदार शौहर को ऑफिस भेजना है कई काम है तो वो फिर जब सारे बच्चे स्कूल चले जाए हस्बैंड भी चले फिर लेके बैठे फिर वो उस सब टाइम रख लें अपना पढ़ने का या रात का रख वक्त रख लें जब सब सो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला के साथ वन ऑन वन बेस पे हम कलाम हो अल्लाह के कलाम के जरिए और पूरे यकीन के साथ उसको पढ़ें ये सबसे सच्ची बात है और ये सबसे अच्छी बात है अहसनल कलाम है फिर उसके बाद अल्लाह से अच्छा मामले का इंडिकेटर एक और क्या है कि अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना अल्लाह के फैसले कुछ फैसले तो हमें बड़े पसंद होते हैं हमारी मर्जी के मुताबिक होते हैं लेकिन कुछ फैसले तकदीर के ऐसे होते हैं कि जो हमें समझ नहीं आ रहे होते कि ये क्यों हो गया हमारे साथ हमें पसंद नहीं आते लेकिन फिर भी हम उन पर राजी रहे कभी हमारे माल के बारे में कोई ऐसी चीज हो जाती है कभी जान के बारे में कभी औलाद के बारे में कुछ चीजें हम सोच के बैठे होते हैं लेकिन वो उस तरह होती नहीं है और हम समझते हैं शायद अल्लाह ताला की मदद नहीं आ रही अल्लाह ताला हमसे नाराज है ऐसा नहीं है अल्लाह त अपना ही काम करने का तरीका है। मदद आ रही है लेकिन उस तरह नहीं जैसे आप सोच के बैठे हुए थे अल्लाह ताला आपको किसी और रास्ते से गुजार के सिखाना चाहता है और हम सीखने के बजाय परेशान ही परेशान रहते हैं हमारी तोज्जो उस असल चीज की तरफ नहीं होती कि हम गौर और फिक्र करें इस बात पर कि अल्लाह ताला ने मुझे इस सिचुएशन में क्यों डाला है बस किसी की शादी ऐसे घर में होगी जो ना नामवाफिक हालात है तो सोचे कि अल्लाह ने यहाँ क्यों भेज दिया मुझे यही क्यों कहीं और भी तो हो सकता था यहां तो मेरी कोई चीज मैच नहीं करती लेकिन अल्लाह आपको वो सिखाना चाहता है जो आप किताबों से नहीं सीख सकते अपने माँ बाप के घर में नहीं सीख सकते थे कोई ऐसी जिम्मेदारी आपको मिल जाती किसी यतीम को पालने की किसी बुजुर्ग की खिदमत की तो आप परेशान होते हैं घबराते हैं कोई स्पेशल बच्चा किसी गोद में आ जाता है तो आपको समझ नहीं आती ये मेरे साथ क्यों हो क्या तो क्यों क्यों करते करते हम अपना चैन रुखसत कर देते हैं उस हिकमत को समझने की कोशिश करें उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला ने एक खास सिचुएशन में क्यों डाला है मुझे इससे क्या सीखना है और आप देखिए कि तकदीर के, के फैसलों और अल्लाह के फैसलों पर राजी होने की एक बड़ी मिसाल हजरत हाजरा की है, है ना इब्न अब्बास कहते हैं कि जब इब्राहिम और उनकी बीवी सारा के दरमियान जो कुछ होना था हुआ रिश्ता तो हाजरा को लेकर निकले उनके साथ एक मशकीजा था जिसमें पानी था अलैहिस्सलाम की वालदा उसी मशकीजे का पानी पीती रहीं और अपना दूध अपने बच्चे को पिलाती रही जब इब्राहिम मक्का पहुंचे तो उन्हें एक बड़े दरख्त के पास ठहराकर अपने घर वापस जाने लगे इसमाइल सलाम की वालदा उनके पीछे पीछे आई जब मकाम कुदा तक पहुंचे तो उन्होंने पीछे से आवाज दिया इब्राहिम हमें किसके पास छोड़कर जा रहे हैं उन्होंने फरमाया अल्लाह पर हाजरा सलाम ने कहा रजीत उ रजीत बिल्ला फिर हजरत हाजरा अपनी जगह पर वापस चली आई और उसी मुश्किल से पानी पीती रही और अपने बच्चे को दूध पिलाती रही किसी का शोहर फौत हो जाता है किसी का जवान कमाने वाला बेटा फौत हो जाता है तो इंसान ये सोचता है ना आप हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं अल्लाह के सहारे अल्लाह है ना वो टेक केयर करेगा ये वक दुनिया के सारे सहारे वक्ती सहारे हैं जिनको हम अपना सहारा समझते हैं असल सहारा तो अल्लाह की जात है जिसने अल्लाह को थाम लिया तो उसने ऐसा मजबूत कड़ा पकड़ा कि जो कभी टूटने वाला है ही नहीं वो कभी साथ नहीं छोड़ता उसी ने दुनिया के मामला भी आसान करने हैं और वही आखरत के मामला भी आसान करेगा दुनिया में तो हम फिर किसी ना किसी को पकड़ लेते हैं सहारा बना लेते हैं लेकिन मरने के बाद कौन होगा साथ मरने के बाद हमारा फैसला किसके हाथ में होगा तो अल्लाह ही है ना तो क्यों ना यहीं पर अल्लाह से अपना ताल्लुक इतना अच्छा कर लें कि बस उसके फैसलों पर राजी हो जाए नबी अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम की वफात हुई तो आपने क्या फरमाया आंखें रोती हैं दिल गमगीन है, और हम जबान से वही कहेंगे जिससे हमारा रब राज़ी है यानी हम रब से राजी हैं इस गम पर भी रब से राजी हैं और ऐ इब्राहिम तुम्हारी जुदाई के सबब हम गमगीन हैं गमगीन होना दुखी होना ये कुदरती सी बात है लेकिन अल्लाह से राजी रहना ये बड़ा जरूरी है फिर आप देखिए कि दीन के किसी भी हुक्म पर अमल करते हुए हमारा सीना घुटता है या फराख होता है दीन का काम ही देख ले दीन का काम है आप अलहुदा जाते हैं या पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या कोई और खिदमत करते हैं जो भी अल्लाह ने आपके हिस्से में लिखी है तो उस वक्त आपकी कैफियत क्या होती है आप शौक से जाते हैं आप खुशी से जाते हैं मोहब्बत से जाते हैं लपक लपक के जाते हैं इंतजार में होते हैं कि कब टाइम होगा और मैं चलूंगी अपना काम करूंगी या फिर एक बोझ पड़ जाता है या फिर वही दिन चढ़ गया फिर वही काम फिर पता नहीं ये कोर्स कब खत्म होगा हमारा कोर्स तो ज्यादा ही लंबा हो गया है क्यों बोझ बनाया हुआ है सिपारों के वर के पलट पलट के देखना कितने रह गए हैं क्यों बोझ बनाए इंजॉय करें जिस आयत पर जिस सफे पर एंजॉय करें ठीक है वक्त नहीं है रोक दे वहां दोबारा वक्त का फिर उठा ले कोई जरूरी तो नहीं कि खास वक्त में ही उठाना है कुरान और उसमें एक सिपारा उसी वक्त पूरा करना है और बस उसके बाद फिर छुट्टी नहीं بانكارتي بيركولي بجمع كامل القرآن المجيد مجيد مات فمن يرد الله أَنْ يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يسعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون जिस शख्स को अल्लाह हिदायत देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है वो कुरान लेके खुश हो जाता है कि अल्लाह ने मेरे हाथ में पकड़ा दिया अब तो मरते दम तो किसी छोड़ना नहीं इसकी खिदमत का कोई मौका दे दिया किसी भी तरह की अब तो ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया अब तो मुझे इसको किसी किसी कीमत में नहीं छोड़ना और जिसको अल्लाह गुमराही पर रखने का इरादा फरमाता है उसका सीना शदीद घुटन के साथ तंग कर देता है तो शदीद सीने की घुटन गुमराही के साथ इसका ताल्लुक देर इज सम इन योर लाइफ कहीं गलती है तभी ये घुटन है जब वो गलती दूर हो जाएगी ना तो शरह सदर हो जाएगा दिल खुल जाएगा इत्मीनान का एक समंदर होगा आपके अंदर सुकून खुशी हर चीज को इंजॉय कर रहे होंगे खुशी को भी गम को भी दोनों अल्लाह की तरफ से ये नहीं कि मीठा मीठा हाँ कड़वा कड़वा थू कड़वा भी इसी तरह लेना है अल्लाह अल्लाह अल्ला का फैसला है ना कोई बात नहीं मैंने कबूल कर लिया मैंने एक्सेप्ट कर लिया मुश्किल उस वक्त होती है घुटन उस वक्त होती है जब हम एक्सेप्ट नहीं करते उसे कबूल नहीं करते उस फैसले को और वाय मी ये क्यों मेरे साथ हो गए ये ऐसा नहीं होना चाहिए था तो ये फिर हिदायत का रास्ता नहीं है फरमाया उसका सीना शदीद घुटन के साथ तंग कर देता है गोया कि वो बड़ी दिक्कत से बुलंदी की तरफ चढ़ रहा हो इसी तरह अल्लाह उन लोगों पर अजाब वाक फरमाता है जो ईमान नहीं लाते जो मानते नहीं कुरानी मजीद में, में आता है ना मन तबाह हुदाय फला दिल्लु वला सूरत में आता ना जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा ना वो भटकेगा ना वो बदबख्त होगा सूरत में ही आता है सूरतहामन आ रद्री लहू मीशतन का दो कंट्रास्ट चीजें हैं जिसने हिदायत की पैरवी कर ली ना वो गुमराह हुआ ना वो बदबख्त हुआ और जिसने मुंह मोड़ लिया फिर उसका हाल क्या हुआ जिसने मुंह मोड़ लिया उसका सीना तंग हो गया उसकी जिंदगी तंग हो गई उसका उठना बैठना मुसीबत हो गया अब बासुका था हमें समझ नहीं आती कि ये घुटन क्यों है आप किसी इंसान को बताते हैं मेरे अंदर ये कैफियत है मैं क्या करूं उसको बताते हैं उसको बताते है। किसी को भी समझ नहीं आती अल्लाह से पूछे अल्लाह मुझे दिखा दे और अल्लाह तू तो ही इसे दूर कर दे सब कुछ तेरे अख्तियार में है और अल्लाह ताला आपको दिखा देगा और आपको हल भी बताएगा और आपको रास्ता भी दिखाएगा फिर आप खुशगवारी के साथ सुबह उठेंगे खुशगवारी के साथ काम करेंगे और इस सीने की जन्नत को लिए हुए हर एक से उसने अखलाक का मामला करेंगे अच्छा किसी बंदे का जिसका रब से ताल्लुक अच्छा नहीं ना उसका अखलाक अच्छा हो ही नहीं सकता क्योंकि बुनियाद ही दुरुस्त नहीं और जितना जितना इखलास ज्यादा होगा ना जिस काम में उसी हिसाब से अखलाक अच्छा हो जाएगा जब हम किसी की भी मदद किसी की भी खिदमत अल्लाह के लिए करते हैं ना तो फिर मामला अल्लाह के सपुर क्योंकि उसकी तरफ से अगर हमें रिस्पांस नहीं भी मिलता ना कोई या वो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं भी करता तो हमें कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि हमने अल्लाह के लिए उससे अच्छा किया होता है लेकिन जब हमने बदले के लिए किया होता है ना अच्छा कि मैं इसलिए अच्छा करूं ताकि ये भी मेरे से अच्छा करे मैं औलाद को इसलिए पालूं ताकि कल ये मेरी खिदमत करे मैं फलां को इसलिए दूं ताकि वो भी मुझे कुछ दे तो फिर मिल गया वहीं से सब कुछ और नहीं मिला तो नहीं मिला देखिये जिसने अल्लाह के लिए किया होता है ना वो इतना बेन्याज हो जाता है ना कि उसको लोगों के रवैयों की परवाह ही नहीं रहती कौन क्या कर रहा है उसका सारा फोकस अपनी जात हो जाती है कि मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस करना है यहाँ क्योंकि अहसन अमल के लिए अल्लाह ने मुझे पैदा किया है छोटी छोटी बातों पर डिसहार्ट और डीमोटिवेट ये लफ्स उसकी जिंदगी में कोई नहीं होते मैं तो डिसहार्ट ही हो गई हूं क्यों हो गए आप अल्लाह है ना अल्लाह को थाम ले फलां के रवैये से मैं फलां काम से डीमोटिवेट हो गई आप फ़लां के लिए काम कर रहे थे अगर आप किसी भी काम को लेते हैं किसी भी जिम्मेदारी को उठाते हैं तो वो तो आपने अल्लाह के लिए उठाया नहीं क्योंकि उसका अजर आपने अल्लाह से लेना है बास खत जिनके हस्बैंड से नहीं बनती होती वो अपना सारा गुस्सा किस में निकालती बच्चों बच्चों पे, बच्चों का मासूमों का क्या कसूर ये उसकी औलाद इससे उसको, इनको मारूंगी तो उसको होगी। ये अच्छा तरीका है अल्लाह को जवाब नहीं देना क्या ये इससे इसलाह होगी क्या इससे हालात आपके दुरुस्त हो जाएंगे क्या इससे आपके शोहर का अखलाक और मिजाज बहुत उमदा हो जाएगा नहीं नहीं मैं फला को सबक सिखाना चाहती हूँ किस तरह का सबक सिखाना है आपने कोई सबक जो आपको किसी ने अच्छी तरह सिखाया अच्छे अखलाक से सिखाया वो तो आप नहीं भूलेंगे लेकिन जो आपको किसी ने बदखलाकी से सिखाया तो सिवाय इसके कि आप उससे दूर हो जाएं और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको तो हुसन अखलाक की बुनियाद नंबर वन क्या है सब कुछ अल्लाह के लिए करना इखलास अल्लाह के साथ मामला अच्छा करना और जो करना अल्लाह ही के लिए करना दूसरी चीज आखिरत पर ईमान पक्का ईमान व बिल आखिरतीम यू किनो हर चीज आखिरत के लिए जमा करते जाना हर चीज में ये सोचना कि इसका मुझे अजर वहां मिलेगा एक वो शख्स होता है जो कोई काम करता है जिसमें वो सिर्फ आखिरत को मद्देनजर रखता है एक वो होता है जो दुनिया और आखिरत दोनों को रखता है और एक वो होता है जो सिर्फ दुनिया को रखता है जो सिर्फ दुनिया को रखता है उसके लिए कुछ नहीं जीनत हयात है दुनिया नोति नोति ही मिन लेकिन आखिरत में उसके लिए कुछ नहीं आए तो मुझे जबानी याद नहीं मतलब उसका यह है कि जो दुनिया की दुनिया के फायदे चाहता है फिर आखिरत में उसके लिए कुछ नहीं दूसरा वो है जो दुनिया भी चाहता आखिरत भी उसके लिए आखरत में अजर कोई नहीं दुनिया में जो मिलना होगा मिल जाए और मिलेगा उसको जो आखिरत में अजर चाहता है जितनी भी आपकी इबादत है ईमान है अखलाक है सब कुछ तो अच्छा अखलाक आपने किसी के साथ भी क्यों करना है अपने दोस्त के साथ भी अपने दुश्मन के साथ भी क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक अज़ीम थे ना तो हम उनकी जिंदगी के इतने बे बे बेशुमार मिसालें हैं जो इसका एक घंटे के लेक्चर में कोई वक्त ही नहीं है कि मैं आपके सामने रखूं लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि आपके उसवे हसना को आपकी सीरत को बार बार पढ़ें ये ना सोचें हाँ ये वाकया मैंने पढ़ा हो नहीं नहीं इस तरह नहीं पढ़े वाक चाहे सौ दफा पढ़ा लेकिन फिर भी उसके पहलुओं पर गौर करें लोग क्यों मुसलमान हुए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत क्यों फैली थी अच्छे अखलाक की वजह से उसमें एक यहूदी था जैद मिनसाना मदीना वालों में से बहुत मालदार था हब्र था आलिम था उनका और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आता था जायजा लेता रहता था क्या वाकई ये सच्चे नबी हैं बाकी उसको सारी निशानियां उनमें नजर आ गई आपके चेहरे पर लेकिन वो मजीद जायजा लेना चाहता एक मौके पर आपको पता चला कि मुसलमानों के किसी इलाके में बहुत कहत पड़ा हुआ है लोग लो परेशान हैं तो आपने उससे कुछ कर्ज लिया और उसको कहा कि मैं इतने अरसे में तुम्हें वापस कर दूंगा अब जब वापसी का वक्त आया तो वो शख्स आपके पास आ गया और आपका कपड़ा खींचा और आपसे सख्त अल्फाज में बात की हजरत उम्र देख रहे थे उनको सख्त गुस्सा आया कहने लगे कि मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं ये होता कौन है कि आपके साथ ऐसी बदखाकी करने वाला आपको मालूम हैमर का जलाल और वो हर मौके पर जो भी नबी वसल्लम के साथ जरा सी भी ज़्यादती करता था उसके साथ वो क्या करते थे तो जो ज्यो वो आद, वो जो जैद इंसान है यूदियों का आलम जो था वो ज्यू जो सख्ती कर रहा था सख्त अल्फाज बोल रहा था तो नबी सलम वह होते जा रहे थे उतनी आप आज दिखा रहे थे तो वो बड़ा ही हैरान हुआ वो कहता है बस ये दो आखिरी निशानियां थी कि आप जहालत बरतने का जवाब किस तरह देते हैं अगर आपके साथ कोई जहालत बरतता है तो आप क्या करते हैं और फिर अगर कोई मुसलसल जहालत बरतता है तो आप कहाँ तक यानी आप भी नहीं जो कहते है ना आखिरी हद तक सता के किसी को देखना के फिर क्या करता है तो कहते हैं अरशद अर मोहम्मद वो मुसलमान हो जाता है कि मैंने वो सारी निशानियां इस नबी में देख ली तो उन नबी का ही तो नमूना कामिल है वही तो फिर हमने इख्तियार करना है वरना हमारा अखलाक कैसे बेहतरीन हो सकता है कि हम जहालत बरतने वाले के साथ जहालत बरतें वो ये तो दौरे जाहिलियत का तरीका था अरबी का एक शायर कहता है अला अलाईना जाहल जाहलीना कुछ इस तरह का शेर है खबरदार हमसे कोई जहालत ना बरते वरना हम सब जाहलों से बढ़ के जहालत बरतेंगे वो, उस दौर के तरीके तो ये थे वो तो ईट का जवाब पत्थर से देते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद का जवाब अखलाक से दिया तो सारे मामला सुधर गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जो कर्जा अदा करना था आपने बल्कि हजरत उमर को कहा तुम्हें चाहिए था कि तुम मुझे तलकिन करते कि मैं आप कर्जा अच्छे तरीके से अदा करूं आ, तो जब वापस किया आपने तो जितना देना था उसके अलावा बीस सा और भी खजूर थी शायद वो दी हजरत उमर कहने लगे कि आप एक्स्ट्रा क्यों भेज रहे हैं उसको तो आपने फरमाया कि ये जो तुमने उससे बात कही थी ना कि मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं ये उसके सिले में है जब वो उस तक पहुंचा तो फिर उसके बाद वो बहरहाल मुसलमान हुआ था कि ये है अखलाक इसको अखलाक कहते हैं ये कोई जहालत الجاهلون खान سلاما ठीक है ना वल्लिन लख बातें फजूल बातें जो होती है ना उनको अहमियत ही नहीं देते इसको उसने अखलाक कहते हैं अच्छा ये दो बुनियादें जो मजबूत हो जाती है ना कि हमने अच्छा इसलिए करना है कि हमने अल्लाह से इसका हजर लेना है कि नबीम के, के करीब जाना है और अल्लाह सबा की नज़र में हमने अच्छा बनना है तो फिर उसके बाद इंसानों में से इंसानों के साथ जो मामला आता है उसमें सबसे पहले हमारे वालदेन आते हैं हम में से हर एक को ये देखना चाहिए कि उसका अपने वालदान और वालदान के वैन के साथ कैसा सलूक है क्योंकि कुरान मजीद में कई मकाम पर वालेन के साथ एहसान के रवैये के ताकीद की गई है तो वाले के साथ भी अच्छा सलूक यही है कि जिस चीज का वो हुक्म दे, उसमें इतात की जाए जब तक वो हराम और ममनू काम ना हो और उनके हुक्म को नफली अमाल पर मुकदम रखा जाए जिस चीज से रोके उसे रुक जाए अल्ला ये कि उससे उसको करना दीन के फायदे में हो आखरत के फायदे में हो उनको खुश करना उनको खुश करने की हिरस रखना उनको तोहफे देना उनसे दिल लगी करना जिन लोगों को वो पसंद करते हो, उनके बारे में बातें करना और उनको ये उनको ये यकीन दिलाते रहना कि वो बहुत अच्छे वाले हैं उनके अहसाना पर उनकी तारीफ करना आपने हमें इतना अच्छा पाला आपने खुद इतनी मुशक्कतें उठाई हमें पढ़ाया हमारे साथ रातें जागी यानी इन बातों का जिक्र करते रहना उनका शुक्रिया अदा करते रहना और हर तरीके से उनको खुश रखना आजकल तो एक बड़ी जहरीली सी टर्म इजाद हो चुकी है टॉक्सिक टौकसि टॉक्सिक पेरेंट्स कि मेरे पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक हैं यानी वो हमारी जिंदगियों में एक जहर भरते रहते हैं ये हमारी यूथ या हमारी नई नस्ल जो है ये अपने वालदे को ये टाइटल देती है क्योंकि वो उनको बुराई से रोकते हैं अच्छे कामों का कहते हैं डिसिप्लिन करते हैं ये उनकी जिम्मेदारियां हैं वो डिसिप्लिन ना करें तो हम कहाँ भटक जाए गुमराह हो जाए तो अच्छा अखलाक किसी का हो नहीं सकता जिसका अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा अच्छा अखलाक नहीं ये भी याद रखिए जो अपने वाले का नहीं वो किसी का भी नहीं है किसी की खूबी देखनी हो तो देखो और उसका अपने वालदे से सलूक कैसा है वो उनके लिए क्या करता है जिंदा है या जा चुके हैं जिंदा है तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं कि उनको खुश रखना सबसे अहम चीज है और उनको इज्जत देना उनके लिए जगह कुशादा करना जगह बनाना उनकी खिदमत में इंतहाई जोर लगा देना अदब इख्तियार करना उनके सामने अपनी आवाज बुलंद नहीं करनी आंखों में घूर घूर के नहीं देखना नाम के साथ नहीं पुकारना बीमार हो तो उनकी तीमारदारी और इलाज की पिकर करना, उनके हाथ पांव चूमना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा किसी के लिए फरमाया था इल्जम रिजला माँ के पांव पकड़े रखो उसके पांव को लाजिम रखो मतलब यह है कि उसको कंफर्टेबल करो खिदमत कर दो वालदे अगर मुस्लिम ना भी हो, तो भी उनके लिए अपने कंधे झुकाना काफिर भी हो तो उनके साथ नेकी करना फौत हो जाए तो उनके लिए गायबाना दुआएं करना उनकी तरफ से सदका करना उनके दोस्तों के साथ मेल जोल रखना उनको कुछ ना कुछ ईद बकरीद पर भिजवाते रहना कि ये मेरी वालदा की दोस्त थी ये मेरी वालदा की बहुत पसंदीदा बाजुकत ऐसा होता है ना आपकी भाभीियों में से कोई भाभी आपकी वालदा को बहुत पसंद थी या उनके बच्चे बड़े पसंद थे तो उनकी वफात के बाद भी उन उन बच्चों को खसूस तवज्जो देना कि ये मेरे ये मेरी माँ के महबूब बच्चे थे वैसे तो सभी होते हैं लेकिन कुछ कुछ जो उनके पास रहते हैं या उनकी खिदमत करते हैं वो जरा ज्यादा प्यारे हो जाते हैं या जिनसे भी उनको मोहब्बत थी चाहे रिश्तेदार हो चाहे गैर रिश्तेदार हो उनकी सहेलियां, उनके दोस्त नबी सल्लम हजरत खदीजा की सहेलियों को कैसे उनसे सलूक करते थे अगर कोई बकरी वगैरह जब करते तो उनको खास गोश्त भिजवाते फुला को दयाओ वो खदीजा की सहेली थी ये होती है मोहब्बत ये होता है अच्छा अखलाक कि सिर्फ ज़िंदगी में नहीं मरने के बाद भी याद रखना खास तौर पर अगर खाब में कभी नजर आ जाए ना कि गुस्से से देख रहे हैं या एक लगाइए आपको तो उस वक्त तो खसूसी सदका करें कि कोई चीज है जो उनको आपकी तरफ से बहादर कर रही है तो इसलिए और अगर जिंदगी में कोई कमी कोताही हो गई है तो अभी भी वक्त है ना जिंदा है ना हम तो अभी जिंदा है ना अल्लाह के फजल से अब पूरा कर लें जब भी सदका करें उनकी नीयत साथ कर लें और नमाजों के सजदों में कम से कम दिन में एक नमाज में तो लाजिम ही कर लें रब हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा सुन्नत में या नफल में जैसे भी क्योंकि वालदेन के साथ हुसन सलूक जन्नत में दाखिले का बायस है फिर वालदान के अलावा घर में और भी बहुत से लोग होते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खै रुकुम खै रुकुम आहली ही व अना खै रुकुम ले आहली तुम में से वो बेहतर है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो और तुम सब की बनिस्बत मैं अपने घर वालों के साथ अच्छा घर वाले आपके सबसे बड़े गवाह हैं कि आप असल में क्या हैं क्योंकि उनके साथ कोई तकल्लुफ नहीं हो सकता और बच्चों के साथ सब्र आवाजें ऊंची नहीं करनी शा से अब अखलाक कैसा था उन्होंने कहा नबी सबसे अच्छे अखलाक वाले बेहूदा गो बतला बेहूदा गोई करने वाले बाजारों में शोर मचाने वाले नहीं थे वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे जुमला हम तेजी से पढ़ जाते हैं करते नहीं इस पे अमल वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे बल्कि माफ कर देते और दरगुजर फरमाते थे घर के कामों में बीवी की मदद करते थे बीवियों की और जब नमाज का वक्त होता तो उठ के चले जाते कहती हैं कि वो जब भी आपसे किसी चीज की फरमाइश करती तो आप उसको पूरा कर देते थे कम कम उम्र भी थी शौक भी थे और आप भी उनकी जरूरत को पहचानते थे और फिर यह कि अगर बीवी है तो शौहर का एहसान मानना हम दर्द और हम नवाह होना कंफर्टेबल करना जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो घर में तशरीफ़ लाए तो सबसे ज्यादा किसने कंफर्टेबल किया था हजरत खदीजा ने और आपकी कैसी कैसी तारीफें बयान करे और उनको यकीन दहानी कराई अल्लाह आपको हरगिज नहीं करेगा क्योंकि आप में ये भी खूबी ये भी ये भी चार पांच खूबियां गिनवा दी वो एकदम फौरी तौर पर उनके जेहन में आ गई कि आपका पूरा खिला हम से अगर पूछे आपके शौहर की क्या क्या खूबियाँ हम तो, तो सोच में पड़ जाएंगे जरा सोच के बताते हैं कि कौन सी क्या खूबी है या हस्बैंड से कोई पूछ ले कि आपकी बीवी के अंदर क्या अच्छी बातें हैं क्या बताएंगे वो क्या अच्छा है हमारे अंदर क्या वहां कौन सा मामला हमारा उनसे बहुत अच्छा है फिर इसी तरह बच्चों के साथ अच्छा खलाक बच्चों को इज्जत देना बच्चों को प्यार से मुखातब करना हजरत अनस कहते हैं मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी को बच्चों पर शफकत करते हुए नहीं देखा सबसे ज्यादा आप बच्चों के साथ शफीक और मेहरबान हमारे आस पास बच्चे घूम रहे होते हैं हम उनको देखते तक नहीं तवज्जो नहीं देते सलाम नहीं करते नबी वसल्लम बच्चों को करीब लाते उनको हक करते उनके चेहरे पे हाथ फेरते उनके जज्बात का ख्याल रखते उनको कभी डांटते नहीं थे हजरत अनस कहते हैं, मैंने वसल्लम की खिदमत में दस बरस रहा और मैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता था यानी हर काम वो नहीं करता था जो वो चाहते थे लेकिन आपने कभी मुझे उफ तक ना कहा और ना कभी ये फरमाया कि तुमने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों नहीं किया और हम एक दिन में अपने सर्वेंट्स के साथ कितनी दफा झगड़े कर रहे होते हैं क्या अखलाक है हमारा किसी काम के नाम करने पर आप उनको मलामत नहीं करते थे फिर रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक और रिश्तेदारों के साथ अक्सर लोगों को शिकायत रहती है अगर वाकई रिश्तेदारों से हुसने अखलाक बरतना है तो क्या क्या करना होगा माल देकर उनकी सिला उनके साथ सिलारहमी करें अपनी अच्छी पसंदीदा चीजें उनको दें जब वो जरूरतमंद हो तो उन पर माल खर्च करें उनकी तकलीफ दूर करें खंदा पेशानी से मिलें जब भी मिलें उनके हक में दुआ करें उनसे मुलाकात के जाए उन्हें तहाइफ दें उन पे खर्च करें शफकत और नरमी का सलूक करें चेहरे पर बशाशत हो मूड ऑफ करके ना मिलें अदब एहतराम करें और हर वो काम करें जिसको रहमी कहा जाता है और जो काटे उससे जोड़ें इसी तरह सदकात वगैरह में भी उनको मुकदम रखें अगर वो जरूरतमंद है अगर जा नहीं सकते ये दूसरे मुल्क रहते हैं या कोई भी मजबूरी है आपकी तो सलाम दुआ जारी रखें व्हाट्सएप पे सलाम दुआ भेज दें फोन कर लें अब तो और भी आसान हो गया है नबी वसल्लम ने फरमाया बुल्लु अरहामकुम वल उबिसम अपने रिश्तों को तरोताजा रखो खास सलाम से ही क्यों नहीं और सला रही से तो उम्र में बरकत होती है रिस्क में बरकत होती है खास तौर तो पर अगर ये दो चीजें आप चाहते हैं तो आउट ऑफ द वे जाकर रिश्तेदारों से अच्छा करें वो कुछ भी करें वो अच्छा करें तब भी अच्छा नहीं करते तब भी अच्छा करना है आपने फिर साथियों के साथ हुसने अखलाक दोस्तों के साथ हमसायों के साथ साथियों के साथ क्यों इसलिए कि इन नोमिन इखवा मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं रुहमा रोहमा उम आपस में एक दूसरे के साथ क्या है क्या है रहीम शफीक मेहरबान रहम दिल आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले एक दूसरे पर मेहरबानी करने वाले एक दूसरे के साथ नरमी से पेश आने वाले दूसरे के लिए वही पसंद जो अपने लिए पसंद है क्या वाकई हमारे तालुकात अपने दोस्तों और अपने हमसायों और अपने कुलिगस के साथ ऐसे ही हैं और हम भाई ना हो मोहब्बत का ताल्लुक है अल्लाह की खातिर मोहब्बत का अजर ऐसे ही तो नहीं कि अर्श के की तले होंगे क़यामत के दिन लोग और इसका यह मतलब नहीं कि वो बहुत अच्छे हों तो ही आप उनसे अच्छे हो सकते हैं वो ना हो अच्छे आपकी अच्छाई उन्हें अच्छा कर देगी आपका अखलाक उन्हें संवार देगा लेकिन आपकी बदअखलाकी बिगाड़ में इजाफा करेगी मसाइल हल नहीं करेगी किसी भी मामले में जब किसी के बारे में बात करने लगे अपने आप को वहां खड़ा कर लें, एक अपना उसूल बन अपने आप को वहां रखें इतना खूबसूरत मैार हमें दे दिया गया ना बस आप किसी के बारे में को बात करने लगे अपने आप को वहां रखें कि क्या मैं अपने बारे में ये बात पसंद करूंगी कि कोई मुझे ये कहे या मेरे साथ ऐसा करे अपने साथियों की इज्जत हमें प्यारी हो उनकी खुशी हमें खुश करे उनका गम हमें गमगीन करे एक जिस्म की मानद है ना अगर किसी को भी तकलीफ हो तो हम सबको तकलीफ महसूस होनी चाहिए अब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग एक दूसरे से हसद ना करो ना एक दूसरे के खिलाफ रेट बढ़ाओ ना एक दूसरे से बोग्स रखो बोग्स क्या होता है दिल के अंदर पाली हुई नफरत जिसका बाजुकात कभी इजहार हो जाता है कभी नहीं भी होता और ना ही एक दूसरे से रूगरदानी करो मुंह मोड़ के बात करना इंतहा दर्जे की बला बद अखलाकी है कुरानी मजीद में आता है वला खदास अपनी अपने गाल को अपने चेहरे को दूसरे से फेर के ना रखो सीधे मुंह बात करो तोज्जो से बात करो एक और हदीस में आता है अः अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ मुसलमान मुसलमान का भाई है ना वो उस पर ना उसे जलील करता है ना उसे झूठ बोलता है न उसे हकीर समझता है पता नहीं उसकी कौन सी खूबी अल्लाह को पसंद हो जब किसी की कोई ऐसी चीज सामने आए ना कि जो अच्छी नहीं लगती तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए पता नहीं और कौन सी खूबी अल्लाह को पसंद है और मैं अपने दिल में खामखा खा का वैर रखू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने मुबारक की तरफ इशारा करते हुए तीन मरतबा फरमाया तकवा यहाँ है अंदर दिल के अंदर और नफरतों के साथ तो तकवा पनप ही नहीं सकता ना वो तो, तो टॉक्सिक फिजा है अंदर तो तकवा तो नहीं ग्रो करेगा फरमाया किसी आदमी के बुरा होने के लिए यही काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे कमतर समझे ये किसी के बुरा होने के लिए काफी अल्लाह की निगाह में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर पूरा पूरा हराम है उसका खून उसका माल और उसकी इज्जत आबरू अल्हम्दुलिल्लाह हम माल और खून को तो हराम समझते हैं लेकिन दूसरे की इज्जत आबरू को अहम नहीं समझते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन मोहब्बत करता है और उससे मोहब्बत की जाती है दो तरफा मुहबत है ये उस बंदे में कोई खैर नहीं जो ना मोहब्बत करता हो और ना ही उससे मोहब्बत की जाए उसमें कोई खैर ही नहीं और लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो उनके लिए सबसे ज्यादा नफा बख्श है तो हमेशा सोचते रहा करें कि मैं अपनी ज़ात से दूसरों को क्या फायदा पहुंचा रही हूँ कितना फायदा पहुंचाती हूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम अंसार से मिलने जाते उनके बच्चों को सलाम करते उनके सरों पर हाथ फेरते उनके लिए दुआएं करते यह था आपका अपने साथियों के साथ ताल्लुक हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली कहते हैं जब से मैं इस्लाम लाया तो रसूल ने मुझे घर आने से रोका नहीं और जब मैंने, मैंने इजाज़त चाही, और जब भी आप मुझे देखते तो मुस्कुराते मैंने मुझे देख के खुश हो जाते। और एक दूसरे से दरगुजर क्योंकि हम सब इंसान हैं कमजोर है हमारी कोई ना कोई बात दूसरे को चुप जाती बुरी लग जाती है जो हमें पता भी नहीं होता बाज तो उसमें माफ कर देना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के दस्ते में लिखा हुआ था जो तुम पर जुल्म करे उससे दरगुजर करो रिश्ता तोड़ने वाले से रिश्ता जोड़ो फिर दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखना काब बिन मालिक कहते हैं मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी गजबे में पीछे नहीं रहा फिर अपना वाक्य बयान किया आपने फरमाया काब ने क्या किया बनु सलमा के एक शख्स ने कहा अल्लाह के रसूल उसे सेहत और खुशहाली की दो चादरों ने रोक रखा और वो अपनी चादरों के किनारों को देखने में मशगूल होगा यानी एक मनफी बात की अपने साथी के बारे में तो माज बिन जबल ने कहा तुमने अच्छी बात नहीं की अल्लाह की कसम अल्लाह के रसूल हम तो उनमें भलाई के अलावा कुछ नहीं जानते हालांकि वो गजवे तबूक में पीछे रह गए थे ये पता नहीं उनकी क्या मजबूरी थी हम तो उनके अंदर सिर्फ खैर ही देखते हैं क्या हमारा भी अपने साथियों के बारे में ऐसा गुमान है कि गलतियों के बावजूद हम कहें कि हम उनमें खैर देखते हैं इनमें खैर है फिर नफरतों और इख्तलाफात से बचना फिर ख़ादिमों खादि के साथ अच्छा अखलाक इंसान बात अपने से बड़े से अच्छा अखलाक बरत लेता है क्योंकि उससे कोई ना कोई मफाद वाबिता होता है अपने साथियों के साथ भी अच्छा हो जाता है लेकिन जहां शामत लाते हैं हम वो है वो, वो लोग जो हमसे कम दर्जे में, कम स्टेटस पे हैं, तो उनके अच्छा उनके साथ अच्छा मामला क्या उनके खाने पीने का ख्याल करना उनके उनका एहसास करना कि इनका भी दिल है कोई अच्छा खाना आपने पकाया है, तो सिर्फ खुद ही ना खा जाए उसके चाहे दो नवाले उनको खिलाएं उनको भी खिलाएं और उनकी उम्दा तरबियत करें फिर कमजोरों का ख्याल करना उनकी हाजात पूरी करना जहां असलाह की जरूरत हो किसी की वहां बेहतरीन अंदाज में इसलाह करना यानी इसलाह का अंदाज अच्छा होना चाहिए हमारा हम कहते नहीं हम तो अमर बिलमूफ़ नहीं अनिल मुनकर कर रहे हैं तो उसका यह मतलब नहीं कि हम दूसरों पर डंडे बरसाएं तानो तशनी शुरू कर दें दूसरों की समाखराशी करें बदखलाकी बरतें, नहीं बेहतरीन अंदाज हजरत आशा कहती हैं आपको किसी आदमी के बारे में कोई नागवार बात मौसूल होती तो आप इस तरह नहीं कहते थे कि फलां को क्या हुआ है कि वो इस तरह करता है आप फरमाते लोगों को क्या हो गया? है पर्सनल नहीं लेते थे उसको फिर लोगों के साथ एहसान करना उनकी तरफ से मिलने वाली अजियतों पर सब्र करना गलती पर डांटने की बजाय नरमी से तालीम देना फिर गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीफ कलबी किया करते थे रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम से जो भी चीज तलब की जाती थी आप उसे अता कर देते थे का तो बगैर तलब के भी बगैर मांगे भी दे देते थे एक शख्स आपके पास आया आपने दो पहाड़ों के दरमियान चरने वाली सारी बकरिया उसको दे दी वो अपनी कौम की तरफ वापस गया और कहने लगा ऐ मेरी कौम मुसलमान हो जाओ बेश मोहम्मद सलम तो इतना देते हैं कि फकर वाका का अंदेशा तक नहीं रखता उनको यह भी ख्याल नहीं आता कि मैं दे के गरीब हो जाऊंगा फिर नरमी से इसलाह करना जैसे अबू महजूरा की, की थी अजान की नकल उतारने पर फिर सख्ती ना करना जैसे सुमामा बिन उसाल के साथ मामला किया आपने और वो मुसलमान हो गए लोगों के साथ एहसान का बर्ताव करना फिर दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक ये भी नबी सलम के अच्छे अच्छा अखलाकामत थी नबी सलम को मशरकों के खिलाफ बदुआ करने से रोक दिया गया आपने फरमाया मुझे लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया बल्कि मुझे तो रहमत बनाकर भेजा गया उनकी बदखलाकी पर आसन तरीके से जवाब देना तकलीफ देने वालों से बदला ना लेना जान के दुश्मनों के साथ भी एहसान करना जैसे सुराका के साथ किया था उनसे बदला ना लेना तो करने के काम क्या है अच्छे अखलाक में फिर यह चीज आती है कि, कि किसी की बुराई याद ना रखें उसकी नेकियों को याद करें उसके एहसानात को याद करें अहनब बिन कैस कहते हैं मैंने कभी उस शख्स को किसी बुराई से याद नहीं किया जो मेरे पास से उठ के गया हो आप आमतौर तो पर हमारे कल्चर में क्या होता है मेहमान आते हैं खाना ना खाएं तब भी हम माइंड करते हैं ज्यादा खा लें तो तब भी माइंड करते हैं जब वो जाते हैं तो जरूर कोई ना कोई उनकी बुराई करते हैं इसके बगैर तो हम रहते ही नहीं इस तरह कोई मिलने आ गया जब निकलेगा तो कोई ना कोई बात कर देंगे अहनफ कहते हैं कि मैंने कभी जो शख्स मेरे पास से उठ कर गया उसकी बुराई नहीं की हम भी इसको एक मैार बना लें दूसरा करने का काम यह है कि दूसरों के लिए दिल साफ रखना जैद बिन असलम कहते हैं कि वो अबू दुजाना के पास गए जबकि वो बीमार थे बीमार हैं उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था उनसे कहा गया क्या बात है जिसकी वजह से आपका चेहरा दमक रहा है चमक रहा है उन्होंने कहा कोई ऐसा अमल नहीं जो मेरे नजदीक इन दो चीजों से बढ़कर कर काबिल भरोसा हो एक ये मैं ऐसी चीज के बारे में गुफ्तगु नहीं करता जिससे मेरा ताल्लुक ना हो गैर जरूरी बातों में मैं नहीं पढ़ता मैं हस्न इस्लामर तर्क हूँ माला यानी <coughs> इंसान के इस्लाम की खूबी क्या है उन बातों को छोड़ देना जिससे उसका कोई ताल्लुक ही नहीं और दूसरे ये कि मेरा दिल मुसलमानों के लिए पाक साफ सलामती वाला है यह है चेहरे का नूर यह है चेहरे की खूबसूरती यह उसने अखलाक आप बेशक किसी पार्लर में ना जाएं आपका चेहरा चमक रहा होगा बेशक फेशियल ना कराएं तब भी आप खूबसूरत लगेंगे लेकिन अगर दिल में मैल भरी हुई है ना दिल काला है तो चेहरे को कितना भी खूबसूरत बना ले कभी खूबसूरत नहीं हो सकता कहीं ना कहीं से झलकेगी वो क्योंकि चेहरा दिल का आईना है पसीने में हसद और कीना नहीं पालना किसी के खिलाफ ग्रज नहीं रखना इबन हजर कहते हैं कि हसद कीने के नतज में से है और कीना गजब का नतीजा है अबू हातिम कहते हैं कीना शर की बुनियाद है जो अपने दिल में शर को छुपाता है वो उसके लिए ऐसी नबतात तो उगाता है जिसका जायका इंतहाई तलख और कड़वा होता है जब इबन अरबी कहते हैं दिल उस वक्त तक सलामती वाला और पाक नहीं होता जब तक वो बहुत कीना रखने वाला हसद रखने वाला खुद पसंद और मतकबर हो यानी दिल सलामती नहीं होता कल्बे सलीम हो ही नहीं सकता और खास तौर पर दुनिया के मामला में किसी से हसद ना हो क्योंकि दुनिया आखरत के मुकाबले में बहुत अकीर है तो अला मर्तबा पाने के लिए दस सिफात को अख्तियार करना ज़रूरी है सीने की सलामती और पाकिजगी माल से सखावत जबान की सच्चाई नफ्स की इनकसारी सख्ती में सब्र तन्हाई में रोना लोगों के लिए खैर खा होना मोमिनों के लिए रहम दिल होना पना होने के बारे में गौर वफिक्र करना और चीजों से इबरत पकड़ना हर चीज से सबक हासिल करना तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अच्छा अखलाक अच्छी आदत अता कर दे और हमारे सारे बुरे अखलाक हमसे दूर कर दे हमारे नफ्स का भी तजिया कर दे क्योंकि अल्लाह ताला ही नफ्स का तजकिया कर सकता है लना वली बिल ईमान वजी कुलना ए हमारे रब हमें भी बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान लाए और जो लोग ईमान लाए हैं उनके लिए हमारे दिलों में कोई को ना रहने दे ए हमारे रब तू बड़ा शफकत करने वाला और रहम फरमाने वाला है अल्लाह महदीन वनी सही ला यहा मुझे अच्छे अखलाक की रहनुमाई दे तेरे सिवा कोई अच्छे अखलाक की हिदायत नहीं दे सकता और बुरे अखलाक से मुझे दूर कर दे तेरे सिवा कोई मुझसे बुरे अखलाक दूर करने वाला नहीं आमाल वल अख़लाक़ अन्शनीकू ला यहदी लि लिहा इल्ला अंता अल मेरे गुनाहों और मेरी खताओं को माफ कर दे मुझे तंदरुस्त कर दे मेरी कमियां पूरी कर दे नेकमाल और अखलाक की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा दे क्योंकि उनकी तरफ रहनुमाई करने वाला और अखलाक की बुराई को दूर करने वाला तेरे सिवा कोई नहीं या ही हमारे बुरे अखलाक हमसे दूर कर दे अल्लाह इन मुंकरातिल अखलाकम अहवा बेशक से बुरे अख्लाक बुरे आमाल और बुरी ख्वाहिशा से पना चाहता हूँ जन्नब नी मुनकर तिल अखलाक इवल अहवा इवल अदवाझे बुरे अख्लाक बुरी ख्वाहिशात और बुरी बीमारियों से बचा अल्लाह अहसन खलकी वहसिन खुलकी أهلا توني مري سورة أشي بناي مري سيرة أشي اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع नफ्सिल्ला तशबाउ फ्सिल्लाजाब अला मैं तेरी पनाह में आता हूँ आजिज होने से सुस्ती से बुज़दिली से बुखल से सख्त बुढ़ापे से कब्र के अजाब से अला मेरे नफ्स को तकवा अदा कर दे इसको तू पाकिजा कर दे तू ही इस नफ्स को सबसे बेहतर पाक करने वाला है तू ही इसका रखवाला और इसका मददगार है अल्लाह बेशक मैं तुझसे ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूँ जो नफा देने वाला ना हो और ऐसे दिल से जो डरने वाला ना हो और ऐसे नफ्स से जो सैर होने वाला ना हो और ऐसी दुआ से जो कबूल होने वाली ना हो अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबिना अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबिना व असलिह ज़ात बैनना वहदिना सुबुल सलाम व नज्जिना मिन अज़्ज़ुलुमाति इला नूर

हमारे आपस के मामला के रस्तों की तरफ रहनुमाई अता कर दे हमें अंधेरों से निजात अता फरमा दे से मह, महफूज रख और हमारे कानों हमारे आंखों हमारे दिलों हमारे घर वालों और हमारे बच्चों में बरकतें अता फरमा और हमारी तोबा कबूल फरमा बेशक तू बहुत ज्यादा तोबा कबूल करने वाला है अल्लाह तू ही रहमत करने वाला है और हमें अपनी नेमतों का शिक्र करने वाला बना दे और उनकी तारीफ करने वाला बना दे और उनको कबूल करने वाला बना दे और इन नेमतों को हम पर तमाम कर दे कामिल कर दे अल्लाह जो कुछ हमने पढ़ा है सुना है अल्लाह हमें इस पर अमल की तोफ़ी कता फरमा हमारे दिलों को बदल दे हमारे अखलाक को बदल दे हमें अच्छा अखलाकता फरमा दे हमें अपनी नज़रों में पसंदीदा बना ले और हमें अपने बंदों के दरमियान उनको खुश करने वाला बना दे या अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत दे अल्लाह हमारी मुश्किल आसान फरमा अल्लाह हमें बेहतरीन फैसलों की तोफी का फरमा अल्लाह तो हम सबसे राज़ी हो जा अल्लाह इस मुल्क पर अपनी रहमत फरमा अल्लाह इस उम्मत पर अपनी रहमत फरमा अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों पर अपनी रहमत फरमा अल्लाह तो हम सब मुश्किलात मुश्किल घर से लेकर पूरे उम्मत तक सब की तकलीफें दूर कर दे या अल्लाह तेरे ही हाथ में सारी खैर भलाई है हम तुझी से तवक्को रखते हैं अल्लाह तो हम सब पर मेहरबान हो जा रबना तकबल इन्नका इन्ना समीउल अलीम या अल्लाह जितनी बहनें आईया इनका आना कबूल फरमा जिन्होंने इंतज़ाम किया है इन्हें इसकी बेहतरीन जजात फरमा और इस मजलिस को सारे मुंतज़िमीन के हक़ में सद जारिया बना रबना तकब्बल मन्ना इन् न का अंत समलीम वतुबलैना का अनत तब्बाबरीम वाली अखीर खलक़ी मोहम्मद व अला अली वबी ही व अहली बैती ही अजमाइन राहमत क्यारमर आम سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى आप मुझे कोई कुछ कहना चाहता है तो अपनी सीट पे खड़े होके कह दे कोई भी कुछ कहना चाहता है जी फरमाइए वालेकुम सलाम वरह आ रही मुझे आ रही असल वरि वाल सबसे पहले तो <laughs> अल्लाह ताला हमें आपका कदर दान बनाए के आज के दौर में और अल्लाह ताला ने दी दूसरी बात ये हम पुरान पाक तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसके साथ साथ जैसे हमने आज पढ़ा कि कुरान हमें रोशनी और आईना दिखाता है हमें साथ हदीस भी पढ़नी चाहिए जैसे हम बजी सलमा से हदीस कोर्स करने गए थे तो, तो चार माह हमने हदीस कोर्स किया था तो उन्होंने कहा था कि बाद में हम औरतें इसको मुकम्मल नहीं कर पाती क्योंकि हम दुनियादारी में इतनी चली जाती शादी के बाद तो मैंने वादा किया था कि इनशाला मैं पूरा करूंगी तो मैं आपके साथ ऑनलाइन किताबल पढ़ रही हूँ <laughs> तो अल्लाह का शुक्र है दूसरी हमने अभी बात सुनी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए रहे तो हजरत खतीजा ने बहुत अच्छे अल्फाज में उनको तसली दी हमें वो अल्फाज कहाँ से मिलेंगे हम क्या कहते हैं कोई शोहर आए तो, तो हम हमारी मर्जी की सब्जी ना लेकर आए तो हम नाराज हो जाते हैं <laughs> कहाँ के हम इतने अच्छे अल्फाज में उनको तसल्ली दे तो उसके लिए भी हमें कुरान और सुनर को सीखना पड़ेगा हमें अपना टाइम निकालना पड़ेगा तो ये बहुत जरूरी है कि हमें भी वो अल्फाज आने चाहिए कि हम तसली दें इसी तरह किसी ने पूछा कि शोहर किसी की बात है कि उन्होंने उनके शोहर ने उनसे बात की कि मेरा दिल बड़ा घुट रहा है मुझे क्या करना चाहिए कि मैं तसल्ली में आ जाऊं तो उन्होंने आगे से आयत पढ़ी वाला सवफा युती का रब्बू का फतरसा अनकरीब आपका रब आपको इतना عطا करेगा कि आप खुश हो जाएंगे तो शौहर को तसल्ली मिल गई तो दूसरी बात यहां पे यह है कि हम हमने हदीस पढ़ी थी कि किस्मत को बार बार इतराज करना भी अल्लाह पर एतराज होता है जो भी हमने बात की ना कि हम अपने अल्लाह तो तो अल्ला पर इतराज करना ही होता है तो हमें अपनी किस्मतों पर भी यकीन करना पड़ेगा कि ये फैसला हम अल्लाह ही की तरफ से आता है बाकी उस ऐसा में हमने एक बरदरी में बटा सट्टा की बहुत रसम थी तो उसपे काम किया है

उनको इतनी मोहब्बत है और हमें अलहमदिल्ला के अल्लाह के लिए हम के जोड़ने की वजह से हम आपसे बहुत मोहब्बत है और तो लम्हा थे जो मैंने आपके लिए कुछ लिखा हाथ में कुछ शायरा नहीं कुछ नहीं हूँ वो वो रोशनी ऐसी जो वराने में सहर कर दे बंजर दिलों को कुरान से आशना कर दे हम कहाँ उतार पाएंगे एहसान उनका आने वाली नस्लों को उनका कर्जदार कर दे जमीन पीछे दीजिए पिंक स्काफ में जो है खातून मैम uh, मैं शाहकोट से हूँ तो आपसे मिलने का बहुत बहुत ज्यादा शौक था तो मैं अल्लाह तला के बाद उनका शुक्रगुजार अदा करने के बाद आपकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ हमसे मिली और उसके बाद मैं अपनी मैम डॉक्टर मुबशरा जो अभी उन्होंने बोला उनकी बहुत ज्यादा एहसान मंद हूँ आज अगर हम है यहाँ पर खड़े हैं मौजूद हैं आपको सुन रहे हैं तो सिर्फ उनकी वजह से और ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि अल्लाह ताला जिसकी भलाई का इरादा करते है उसको दीन की समझ बूझ अदा करते है और यह बात सुनकर इतनी ज्यादा खुशी हुई कि वाकई अल्लाह ताला हमसे

उसका हमारी ये कि हमारे जिसमानी फिजियोलॉजी पे असर पड़ता है हमारे इमोशंस पे असर पड़ता है हम काम डाउन होते हैं और उसके बाद हमें जो बाक़ी मामलात हैं नमाज से निकल कर उनको सॉल्व करने या फेस करने में हमें आसानी होती है ये पहली दफ़ा जो बात है ना जो दोनों का रिलेशन है नमाज का और अच्छे अख्लाक का मुझे तो आज पहली दफा ये सही समझ तो में आया है और वाकई जो ये कई दफा हम सुनते हैं ना कि वो नमाज तो पढ़ता है लेकिन बद अखलाक है फलां जो है वो नमाज नहीं पढ़ता लेकिन खुश अखलाक है तो इसका मतलब है कि जो नमाज के साथ साथ बद अखलाक है उसकी नमाज नाकिस है और जो नमाज नहीं पढ़ता और उसका अखलाक अच्छा है तो वो तो मुशाहिदे में भी आता है कि वो सुपरफिशल होता है वो जरा सी देर के बाद वो खत्म हो जाता है उसका कोई वो स्किन डीप ही रहता है वो जी।, जी जो सबसे ज्यादा चीज़ है उसने में मुझे लगता है उसने जिस, जिस वक्त कर रहे हो नमाज पढ़े नमाज तवज्जो से पढ़े अगर किसी की खिदमत कर रहे हैं उसकी तवज्जो से हर चीज हर चीज को जब टाइम देंगे तोज्जो से करेंगे तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी और हम देखते हैं कि आजकल जो ये टेंशन जो है स्पैन वो बहुत कम हो गया लोगों के पास मोबाइल्स और ये जो चीजें हैं इसकी वजह से थोड़ी देर के लिए तवज्जो देते हैं और फिर दूर कर देते हैं तो बच्चों के लिए भी उनकी टेंशन स्पैन ज्यादा करने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वो आपकी तरफ मतवजो ज्यादा से ज्यादा और वो और... भी उस वक्त होंगे जब आप उनकी बात से क्योंकि माए आमतौर पर अपने कामों में मशगूल होती है खाना पका रही है और साथ साथ पीछे बच्चे को लेक्चर दे तो हमेशा बच्चे को कोई भी बात समझानी हो ये सब माए समझ लें तो बिठा के सामने आंखों में आंखें डाल के पूरी तवज्जो से पहले उसकी बात सुन के फिर जो आपने कहना है मुख्तसर लफ्जों में कह दें क्योंकि जब हम बोले जाते हैं बोले जाते हैं बोले जाते हैं उनके कानों से ऊपर गुजर सर के ऊपर से गुजर जाता है जी फरमाइए जिसके पास माय बोली ये बंद है शायद खोलिए इसको Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, मैं, uh, मैं आपके साथ अपने feelings share करना असल वरि वाह आपकी डॉक्टर रोहित जी जी तो, जी बिल्कुल. मैं उनकी कजन हूँ उनके अच्छा. मामू की बेटी हूँ तो मैंने वो अमेरिका में आती थी, थी मैंने उनको अरसे बाद देखा तो जो उनकी मतलब अब जो है वो तो मुझे लग, बहुत अच्छा लगा और हम हमने भी सोचा कि हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं तो फिर उन्होंने हमें मैम बशा का बताया तो इन्होंने हमें तजवीज़ सिखाई है अच्छे से और अब तफसीर करवा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तीन बेटियां हैं वो भी करके और आगे अपने क्लास फेलोज को और सबको बता रही हैं और अल्लाह का इतना हम पे एहसान है और मैं बता नहीं सकती कि हम कितने खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह और आपसे मिलने क्या यकीन ही हो रहा कि बता नहीं सकती कि आज आपको लाइव सुना देखा और पता नहीं क्या क्या सब ही की तरफ से अलहमदी जी जी वालेकुम सलाम बोलिए जिसके मौके पर भी मेरे बाबा कह रहे थे कि वेदर के, के हिसाब से जाएंगे तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे बस आपको देखना है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी खुश हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम दे आमीन भैया को अल्लाह ताला और ताला इसमें सबसे बड़ी मददगार मेरी अम्मी है उन्होंने हर जगह पे मुझे मेरा साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरी अम्मी को भी अजीम अज्ञे दे और आपको जजाक असला मैंने ये सवाल करना है की जब औरत को गुसल दे उसपे तीन चादरें वाजिब है कई औरतें बहस करती हैं कि अल्फी और पज़ामा ये जायज़ है मैं कहती हूँ कि नहीं तीन चादरों में औरत को बेटा जी, असल तो यही है कि तीन चादरों में दिया जाए तीन चादरों में कई औरतें बहस करती है कि कोई नहीं, बात नहीं जो बहस करे बहस ना करे उससे वो जो मर्जी करे आपका मतलब काम बताना होता है जी, जी फरमाइए मैम सलाम आपसे पूछना है की औरत का इंडिपेंडेंट होना कोई गुना है मतलब औरत अगर इंडिपेंडेंट होना चाहती है इसका मतलब क्या इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्योंकि मतलब औरत को अल्लाह ताला ने तरह बनाया है कि उसको मर्द की हिफाजत की जरूरत होती है क्योंकि तो तो औरत अपना अकेले दिफा नहीं कर सकती या उसका बाप होता है या उसका शौहर होता है या उसका बेटा होता है या उसका भाई होता है उसको किसी ना किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है इंडिपेंडेंट होने में बहुत से खतरा हैं अगर आप इंडिपेंडेंट होने का मतलब यह है ना कि मुझे किसी किस किसी की बात नहीं सुननी और बस जो मेरा दिल चाहे मैं करूंगी और अकेले ही सारे काम करूंगी तो ये ठीक नहीं है अस्सलाम वालेकुम जी वाले। अस्सलाम जी जी वाले सलाम फरमाइए आ... जी फरमाइए जी मेरा क्वेश्चन हुस्ने खिलाफ के बारे में स्पेसिफिकली कि आज हमने लेक्चर सुना स्पेशल हुस्ने खिलाफ के बारे में लेकिन इस चीज को अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट करना ये कैसे करेंगे? मतलब आज सुना हैं। एक चीज तो ये है कि कुछ, कुछ लोगों के बारे में तो वो हम उनके बारे में जब सोचते हैं, बुरा ही सोचते हैं। वो जो भी करें वो सीधा भी करें में उल्टा नजर आता है ठीक है कुछ शैतानी वसब से भी होते हैं शैतान कभी नहीं चाहता हमारे दिलों में खुशी हो क्योंकि अगर आपके अपने बहन भाइयों से ताल्लत अच्छे तो कितनी ख़ुशी की बात होती है जब मिले गले लगा रहे हैं खुश हो रहे हैं लेकिन अगर आपके दिल में कोई नफरत है तो फिर आपके लिए वो खुशी ख़त्म हो जाएगी शैतान हमारा दुश्मन है और वो हमें कभी भी खुश नहीं होने देगा तो शैतानी वसवसों से निजात भी बड़ी ज़रूरी है तो अगर आप मामूल में ये दुआ पढ़ें नमाज के अंदर भी पढ़ सकते हैं और बाहर भी पढ़ सकते हैं सुबह शाम भी पढ़ लें जब चाहे पढ़ लें अफज़बिल्लाम रजीम बिन हमजी ही व नफ़ी ही व नफ़ी ही कि शैतान की उकसाहटों से शैतान की के वसवसों से और शैतान की जो फूकें हैं उनसे अल्लाह मुझे बचाए तो इनशाला आप देखेंगे कि बहुत आपके दिल में जो चाहे अल्लाह के बारे में चाहे दीन के किसी के बारे में भी वसवस वो ख़त्म हो जाएंगे असला जी उस मुझे बात करना थी आपसे की अलहुदा की ब्रांच है ऐसे ही बच्चों के लिए भी स्कूल का अरेंज होना चाहिए ये स्कूल है ना हमारी इधर शेखपुरा सिटी में ठीक शुक्रिया और दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मतलब जैसे हम खुवा हैं यानी जिनके बच्चे भी थोड़े से बड़े हो गए मतलब करब्दीलियां आती हैं जो हमारे सारे अपने बच्चों के भी हैं वो जुड़ने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं तो इसी तरह की मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कि बच्चों से मुतलिक शॉर्ट कोर्सेज अलहुदा में होते रहें या मतलब और भी जो है मतलब इस तरह के इदारे होने चाहिए इदारे बनते हैं अफराध से एक बात याद रखिए इदारे बनते हैं अफराध से ऐसे अफराध जो दीन इल्म हासिल कर चुके हैं अगर वो अपने घरों में बैठ जाए माए बच्चियों को आने ही ना दे की अब तुमने तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया अब पढ़ लिया अब और किसी को नहीं पढ़ाना

जी अपना कोर्स मुकम्मल आप नेशनल मॉडल स्कूल में टीच कर रही हूँ तकरीबन इसी स्कूल में ना 25 साल से मुझे याद है जब कुरान का मौज सर ये बताना चाह रही हूँ शायद 2005 जब आप फर्स्ट टाइम आई थी बाहर आपने किया था तब मुझे नहीं पता था कि आप खातून है या मर्द है मैंने वो बैनर देखा तो मैं कुरान से इतनी ज्यादा नहीं थी फिर जब सुना और एक मौजा ये था मैं अपनी क्लास ट्रैप को लेके जा रही थी शदीद गर्मी थी मई का महीना था और बहुत धूप थी यकिन करें लेक्चर जैसे ही ख़त्म हुआ है अल्लाह ताला ने बादल भेजे हैं गहरे और काले और हल्की हल्की किनमिन हुई है मैंने अपनी साथी टीचर से कहा मुझे लगता है यहाँ कुरान आएगा अपना कोर्स मुकम्मल किया स्कूल से रिलीफ लेके अल्हम्दुलिल्लाह 2011 में वापस आई और फिर उसके बाद सारे सारा लोगों ने ताउन किया प्रिंसिपल साहबा ने भी एज अ ट्यूटोरियल टीचर फिर मैंने इधर सिक्स टू एट थ्री टू फाइव इस तरह बच्चों को सीरत कहानी की सूरत में सारा दिन पढ़ के ना छोटे छोटे वाक्यात की सूरत में और अम्ब्या की स्टोरीज और उनको पढ़ाया और वो इतनी दिलचस्पी लेते हैं छोटे छोटे मसले आप की हर बात तो जो से सुनते हैं जी अल्लाह तबूल फरमाएसला आपने घर नहीं जाना असला हमने तो लाहौर जाना है इसलिए हमें चलना चाहिए आज के टॉपिक में एक पॉइंट आया था कि सब कुछ आखरत के लिए जमा किया जाए हर नाही ना, जाए तो वो हम कैसे चाहेंगे चाहे ही ना हर चीज हर नीयत मेरा कहने का मतलब यह है कि अमल जो भी नेक अमल करें उसका बदला अल्लाह से चाहे आखिरत में चाहे इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया में भलाई ना मांगे दुनिया की नेमते अल्लाह से मांगे लेकिन इसमें भी कि हसना है क्या वो हसना के माने जो लमा करते हैं वो ये कि इसमें दीन का इल्म और वो हर वो चीज़ जो हमारी आखिरत को बेहतर बनाने वाली हो वो दुनिया में ही पता चल रहा हमें उस जी अल्हम्दुलिल्लाह जब आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से रसूल वसम के अखलाक और सब के बारे में आपने बताया और आप देखिए वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद इंसान को यूं लगता है कि जैसे एक होल पर्सनैलिटी मॉडल सामने आता है कि आपके हर वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों के साथ का, आपका किस तरह का ताल्लुक था और क्या आपका अख्लाक था और वो बहुत खूबसूरत आपने जो हदीस बयान की कि क्यामत के दिन जब सब चीज़ें तोली जाएंगी तो सबसे ज्यादा जो चीज़ वे जब किया जाएगा भारी होगी वो इंसान का अखलाक होगा अच्छा तो अच्छा अखलाक सिर्फ ये नहीं है कि बाहर के लोग हमारे बारे में अच्छी गवाहियां दें बल्कि अच्छा इखलाक में सबसे अहम चीज़ ये है कि घर वाले जब हमारे बारे में हमारे सर्वेंट्स हमारे हस्बैंड बच्चे वो जब गवाही दे तो फिर समझे के अखलाक में कुछ बेहतरी आ रही है या जिनके साथ हम मिलजुल के रहते हैं काम करते हैं जजाकम बहुत शुक्रिया आप सबका अभी आपने और बातें करनी है इनशाला फिर जिंदगी रही तो जी क्या सलाम जी फरमाइए बोलिए हाँ हाँ तो। तो। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करें अल्लाह से अल्लाह से दुआ करें जी देखे ना शेख ऊपर आ गई हो ना क्यों ओके अलैक्म वरहमतुल्लाहि वबरकातुह असलाकूम प्लीज अपनी सीट पर तशरीफ रखें सब Allah लोग प्लीज सब Allah लोग अपनी